जब गलत खान पान और अपच के कारण पेट में पित्त के विकृत होने पर अम्ल की अधिकता हो जाती है तो उसे अम्ल पित्त कहते हैं। यही अम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी कहलाता है। आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इससे बचने के उपाय। हाइपर एसिडिटी के कारण: अत्यधिक गर्म, तीखा, मसालेदार भोजन करने, अत्यधिक खट्टी चीज़ों का सेवन, देर से पचने वाली खाद्य पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन करने से हाइपर एसिडिटी की समस्या पैदा होती है। भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय ना देना और अपच के बावजूद खाते रहना आपकी इस समस्या को बढ़ा सकता है। अब जानते हैं इसके लक्षण। भोजन का पाचन नहीं होना, बगैर किसी मेहनत के ज़्यादा थकावट होना, कड़वी या खट्टी डकार आना, शरीर में भारीपन, हृदय के पास या पेट में जलन होना, कभी कभी उल्टी होना, उल्टी में अम्ल या खट्टे पदार्थ का निकलना, मिचली होना और मुंह से खट्टा पानी आना, सिर दर्द, आँखों में जलन, जीभ का लाल होना जैसे लक्षण हाइपर एसिडिटी में सामने आते हैं। हाइपर एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए आप घर पर ही कुछ उपाय और सावधानियां अपना सकते हैं जिससे आपको यह समस्या ना हो। गेहूं या जौ के आटे से बनी चपातियां ही खाएं, क्योंकि यह पाचन संबंधी समस्याओं पैदा नहीं करती, ना ही इसमें गैस बनने जैसी समस्या होती है, बल्कि यह आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करेगी। मूंग की दाल, लौकी, तोहरी, परवल, गिलकी, टींडे, कद्दू जैसी सब्जी को अनदेखा बिल्कुल ना करें। यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखती है और हाइपर एसिडिटी को कम करती है। फलों में पपीता, मौसम्बी, अनार आदि को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा नारियल और नारियल पानी का भी भरपूर सेवन करें। मुनक्का, आंवले का मुरब्बा, कच्चा आंवला भी खाना इसमें बेहतर माना जाता है। अनार और आंवले के अलावा खट्टी चीज़ों का अत्यधिक सेवन करने से बचें, इससे एसिडिटी बढ़ सकती है। नींबू और टमाटर जैसी चीज़ों को भी नियंत्रण करें, इनमें प्रयोग से आपकी यह समस्या बढ़ने में मदद मिलती है। अत्यधिक गर्म, तीखा व मसालेदार भोजन करने से बचें। भारी खाद्य पदार्थों को भी खाने से बचें, ये आसानी से नहीं पचते जिससे आपकी समस्या कम होने के बजाय बढ़ जाती है। दही और छाछ का ज़्यादा सेवन ना करें और उड़द की दाल की बनी चीज़ों व शराब या अन्य नशीले पदार्थों से दूरी बनाए रखें। हल्का व आसानी से जल्दी पचने वाला भोजन ही करें, अन्यथा आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुलकंद व गुलाब से बनी चीज़ों का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह आपके पेट में जाकर ठंडक पैदा करता है जिससे एसिडिटी में राहत मिलती है। यानी ठंडी चीज़ों का सेवन अधिकतम करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे आपसे दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।